हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, स्टाफ नर्स की एक और ज़बरदस्त वैकेंसी की नोटिफिकेशन के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी निकाली गई है, बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है। करीब 600 प्लस वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये पूरी अपडेट आपके साथ हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं, बताएंगे कि वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें कितनी है, टोटल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, कब तक अप्लाई करना, लास्ट डेट क्या है, कब से अप्लाई करना है, और कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है, कैसे अप्लाई करना, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है और कौन कौन फिल कर सकता है इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स डायरेक्टली अपडेट पर, और अपडेट में जाने से पहले अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं अपडेट पर। तो सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, वैकेंसी की डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल कितनी है। यहाँ पर सबसे पहले सीरियल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, फिर पोस्ट नेम दिया गया है, स्टाफ नर्स क्लास थर्ड। अब टोटल वैकेंसी यहाँ पे कैटेगरी वाइज दी गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है एससी कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 45 है। एसटी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 126 है, 126 है। एसईबीसी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 181 यानी कि 181 वैकेंसी है। जनरल ईडब्ल्यूएस में 69 वैकेंसी है, जनरल में 229 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं 650 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है पीएच कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें कि 26 वैकेंसी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं पीएच कैंडिडेट्स के लिए भी हैं। तो 650 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 600 प्लस वैकेंसी आ रही हैं, तो 650 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है और एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई जरूर करें। तो क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए हम आगे चलते हैं, और सबसे पहले देख लेते हैं नोटिफिकेशन जारी कहाँ से की गई है और अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये वैकेंसी जो इस बार निकाली गई, आप देख सकते हैं इसका एडवर्टीजमेंट सबसे ऊपर दिया गया, एडवर्टीजमेंट नंबर IKDRC क्लास थर्ड 4/2023 यानी कि 2023। तो IKDRC यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर से वैकेंसी निकाली गई है। सिविल हॉस्पिटल कैंपस असरवा अहमदाबाद से वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर से वैकेंसी यहां पर आई है। अब ये वैकेंसी मैं आपको बता दूँ सबसे पहले यहीं पर कि ऑल इंडिया वैकेंसी है, लेकिन इसमें एक शर्त है, वो अभी आपको आगे पता चलेगी। यानी आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप सेलेक्टेड हो जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो क्या करना होगा, तो उसके लिए आगे इन्फॉर्मेशन आपको हम देते हैं। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिया गया है, जो अपॉइंटमेंट इसकी इन्फॉर्मेशन ऊपर सबसे पहले दी गई है। ऑनलाइन अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड टू फॉर फिलिंग अप द वैकेंट पोस्ट ऑफ वन स्टाफ नर्स क्लास थर्ड एंड IKDRC अहमदाबाद बाई अपॉइंटमेंट। तो एक वैकेंसी इसमें स्टाफ नर्स की भी रहेगी, जो अपॉइंटमेंट के आधार पर रहेगी। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, ये जो वैकेंसी रहेगी इसकी इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे दिया गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल फॉर अप्लीकेशन विल बी अवेलेबल बिटवीन डेट 15/4/2023 टू 16/5/2023। तो यहाँ पर डेट की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले ऊपर दी गई है आपको कि ये 15 तारीख से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 15/4 से अप्लाई हो रहा है, 15/4/2023 से आप अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट इसकी 16/5/2023 रखी गई है, यानी कि 16 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दे दी गई है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गई ये वैकेंसी। अब यहाँ पे चलते हैं जो मेन जो 650 वाली वैकेंसी है इसकी इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो इसमें भी आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट जो जारी किया गया रिक्रूटमेंट वेरियस पोस्ट ऑफ क्लास थर्ड की, यहाँ पर स्टाफ नर्स की, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम चीज़। यहाँ पर वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी, 650 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ये रहेगा, 650 वैकेंसी निकाली गई हैं, और ऑनलाइन अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो ऑनलाइन अप्लीकेशन आप लोगों से मांगा गया है। वो जो वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन थी वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बेस पे यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, क्लास थर्ड IKDRC अहमदाबाद बाई अपॉइंटमेंट, वो अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग होगी। अब ये चलते हैं 650 वाली वैकेंसी पर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ये वैकेंसी निकाली गई है, इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद से, या ऑनलाइन अप्लीकेशन हो, इसकी भी डेट आप देख सकते हैं 15/4/2023 से
16/5/2023 यानी सेम डेट ही यहाँ पर इसकी रखी गई है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर जो लिंक रहेगा इसका, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया, इस लिंक के थ्रू आप यहां पर पहुंच सकते हैं, ये नोटिफिकेशन दे सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपसे लिया जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म किसी तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब यहां पर वैकेंसी की डिटेल की बात कर लें तो वैकेंसी की डिटेल मैंने यहां पर आपको पहले सबसे पहले प्रोवाइड कर दी है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 650 वैकेंसी है, यानी कि 650 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई, बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। अब यहाँ पर चलते हैं इसकी जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो सैलरी स्केल यहाँ पर दे सकते हैं, द पोस्ट वाइज डिटेल्स ऑफ पे स्केल इन मेंशन्ड इन बिलो टेबल। तो पे स्केल नीचे दिया गया है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ यहाँ पर पे स्केल भी आपको बता दिया गया है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है क्लास थर्ड की 650 वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। क्वालिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड बेसिक बीएससी नर्सिंग डिग्री फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो अगर आपने यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पीबी बीएससी कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी वाले कैंडिडेट्स आल्सो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम, अगर आपने जीएनएम कर रखा तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर गुजरात नर्सिंग काउंसिल पॉजिटिव एन इक्वलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एज बाय द गवर्नमेंट, या फिर गुजरात नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए जीएनएम का, तो आप अगर वहाँ से किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे बीएससी वाले अप्लाई भी कर सकते हैं, पीबी बीएससी भी अप्लाई कर सकते हैं और जीएनएम कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक शर्त यहाँ पर रहेगी, क्या रहेगी कि ऑल इंडिया वैकेंसी है, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है जो ये वाला पॉइंट दिया गया, द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू गेट हिम हरसेल्फ रजिस्टर्ड विद द गुजरात नर्सिंग काउंसिल एज रजिस्टर्ड नर्स एंड आर रजिस्टर्ड मिडवाइफ आर इक्वलेंट अंडर द गुजरात नर्स मिडवाइफ एंड हेल्थ विजिटर्स एक्ट 1968 एट द टाइम ऑफ अप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो आपका गुजरात नर्सिंग काउंसिल का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, गुजरात नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है अगर आपके पास, या फिर रजिस्टर्ड मिडवाइफ हैं आप गुजरात रजिस्टर्ड गुजरात नर्स में, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपने यहाँ का और ये जो रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मिडवाइफ हेल्थ एक्ट 6 एट द टाइम ऑफ अप्लीकेशन। तो टाइम ऑफ अप्लीकेशन अगर जब आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उससे पहले अगर आपके पास गुजरात नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 40 ईयर्स रखी गई है और पे स्केल आप देख सकते हैं 29,200 से 92,300 रुपये रखा गया है। साथ ही में आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए गुजरात और हिंदी या फिर बहुत ही गुजराती या हिंदी दोनों आनी चाहिए, या फिर गुजराती या हिंदी में से कोई एक भी हो सकती है, दोनों आए हैं तो और अच्छी बात है, तो ये लैंग्वेज की प्रेफरेंस भी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ है आपके पास, अगर आपने गुजरात नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन अप्लीकेशन से पहले करा लिया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वैकेंसी बहुत ही ज़बरदस्त निकाली गई है। इन्फॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर दिया जाए तो कंप्यूटर की यहाँ पे जो है क्या क्या आना चाहिए सारी चीज़ यहाँ पे दी गई। एज लिमिट 18 साल मिनिमम रखी गई और मैक्सिमम जो है 40 साल वहाँ पे ऊपर दी है, वो आप लोगों ने देख ली है। एज रिलैक्सेशन में छूट की क्या रहेगी ये भी दिया गया है। मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। अब बात कर लें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे जो रहेगी वो आपकी आप दे सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी टू ईच कैंडिडेट अप्लाइंग ₹1,000। तो 1,000 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रखी गई है, 1,000 आपकी रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर रखी गई है और ऑनलाइन मोड में ही ये एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट की जाएगी। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए, इसको भी आप रीड कर लें। उसके बाद हाउ टू अप्लाई दिया गया, इसको भी आप रीड कर सकते हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है, कैसे अप्लाई करना है उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट भी बता दी गई है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, सारी नोटिफिकेशन सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, इसमें हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी आप, और यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हों और इच्छुक हैं अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ से स्टाफ नर्स की निकाल दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी, आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।